ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी कि जब तक मैं ये सत्संग शेयर करूं आप मेरे साथ रहें और मुझसे वही बुलवाएं जो आप चाहते हैं मैं बोलूं इस सत्संग में गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहती थी। मेरे पास गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि एक बड़ा सत्संग शेयर करना है, तैयारी कर ले, तैयारी कर। तो सत्संग तो मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना गुरु जी की जब इच्छा होगी तभी आप वो काम कर पाएंगे। तो गुरु जी ने आज मुझे मौका दिया है तो मैं आज ही अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर ये सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, पहला सत्संग तो ये है कि मतलब जब ये मेरी लाइफ में ये सत्संग हुआ था तब मैं मतलब कि मुझे एहसास नहीं हुआ था तब तक कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ या गुरुजी मेरे साथ हैं। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि नहीं, जब ये सत्संग भी मेरी लाइफ में हुआ था और जब मुझे एहसास भी नहीं हुआ था कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ, ये गुरुजी तो तब से मेरे साथ हैं। तो पहला सत्संग तो ये है संगत जी कि मैं 10-12 साल की होंगी शायद, तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे एडमिट करवाया था गंगाराम हॉस्पिटल में। तो मतलब आप ये कह लो कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था, लेकिन अभी मेरे को मम्मी पापा ने कभी बताया अभी नहीं कि मुझे क्या हुआ था, लेकिन बस इतना बताया कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि मैं नहीं बचूंगी। तो और मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, मुझे याद है कि मैंने जब लास्ट अपनी मतलब पहले तो शुरू में मेरी इतना मतलब बेहोश पड़ी थी मैं, मतलब मेरी आँखें ही नहीं खुल रही थी। लेकिन इतना पता है कि एक बार हॉस्पिटल में मेरी आँख खुली थी और मैंने अपने मम्मी पापा को रोते हुए देखा था। तो मैंने अपनी मम्मी पापा को रोते हुए देखा था। सॉरी संगत जी, थोड़ा मन भर आया बताते हुए। बट एनीवेज, तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि मैं नहीं बच पाऊंगी। बट देन गुरुजी की ब्लेसिंग कि उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया और ऐसा दिया कि मैं अभी तक हूँ और सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग संगत जी ये है, तो मैं कहना चाहूँगी कि दूसरे सत्संग के टाइम पे भी मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं था, क्योंकि एहसास तो अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है संगत जी, दो ढाई साल कह लीजिए, 3 साल कह लीजिए कि मुझे अभी मतलब 3 साल पहले से मुझे एहसास हुआ है कि गुरु जी मेरे साथ हैं और मुझे उन्होंने दिखाया या मतलब एहसास कराया कि मैं हूँ तेरे साथ। तो जो भी ये जो पहला सत्संग था और ये जो दूसरा सत्संग है इसमें मुझे नहीं पता था। तो दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि बचपन में ही जब मतलब आप कह लीजिए क्या ही उम्र होगी वो मेरी, ये 10 से 12 साल वाली जो उम्र थी, जो बीमार पड़ी थी उससे भी पहले की कह लीजिए आप ये सत्संग, कि मेरी एक फ्रेंड थी घर के पास ही। तो जैसे होता है ना, बच्चे खेलने जाते हैं एक दूसरे के घर, तो कभी वो मेरे घर आती थी खेलने के लिए, कभी मैं चली जाती थी। तो एक बार मैं उसके घर गई खेलने के लिए, तो उसके ना पापा नहीं थे, उसकी सिर्फ मम्मी थी और मामा थे।
थे उसके, मतलब उनके मम्मी पापा का, उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ था, तो उसकी मम्मी और मामा साथ में रहते थे जैसे। तो मैं उसके घर खेलने गई, तो उस दिन उसकी मम्मा घर पे नहीं थी, तो उसके मामा जी थे। तो हम लोग खेल रहे थे, तो एकदम से उसके मामा अंदर से आए, कमरे से बाहर आए जब यहाँ पर हम खेल रहे थे, तो उन्होंने एकदम से बोला कि छुपन छुपाई खेलते हैं। तो हम जैसे बच्चे तो होते ही हैं ना एक्साइटेड से, तो उन्होंने, हमने एक्साइटमेंट से हाँ बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले टर्न मेरी फ्रेंड की होगी, कि वो काउंट करेगी और मामा और मैं छुपेंगे। गूज़बम्स आ रहे हैं। एनीवेज, तो उन्होंने बोला कि वो काउंट करेगी, तो वो काउंट कर रही थी और मामा मुझे अंदर ले गए रूम में छुपाने के लिए। उन्होंने बोला हो मैं तुझे दिखाता हूँ कहाँ छुपना है, तो वो मुझे अंदर ले गए। अब मेरी तो उम्र संगत जी ऐसी थी कि मुझे तो क्या ही पता था उस टाइम पे कि क्या मेरे साथ होने वाला है या क्या उसकी सोच चल रही है उस इंसान की, मुझे कुछ नहीं पता था। तो संगत जी वो मुझे रूम में ले गया अंदर छुपाने के लिए। एंड देन ही टोल्ड मी to lay down on the bed. And he said that you lay down on the bed and I'm coming. तो मैं लेट गई। And then he went to his kitchen और उसने अपने कपड़े उतारे और वो मेरे ऊपर आके वो मेरे को पता के लेट गया। और संगत जी ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है जो मैं कहूंगी कि मतलब मुझे उस टाइम पर मेरे भगवान ने मुझे बचाया, मेरे गुरु जी ने मुझे बचाया। बचाया ऐसे संगत जी कि जैसे वो मेरे ऊपर आके लेटा, उसी टाइम एक मिनट भी नहीं हुआ होगा, एक मिनट बाद ही उसकी मम्मा एकदम से आ गई और उन्होंने नॉक किया और वो एकदम से उठा और फटाफट किचन में जाके अपने कपड़े पहनने लगा। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से कुछ गलत लगा और मैं उठ के भाग गई और मैंने घर जाके अपनी मम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो पहले तो मम्मा ने मुझे डांटा कि तुझे मैं हमेशा मना करती हूँ किसी के घर जाके मत खेला कर, तू सुनती नहीं है, वो ऐसे ऐसे करके डांटा। एंड देन उसके घर पर जाकर थोड़ा सा मम्मा ने लड़ाई वगैरह भी की, थोड़ा सा उनको जैसे जाके बताया उसकी मम्मा को। बट देन उसकी मम्मा ने और मम्मी ने आपस में एक दूसरे से जो भी था अंडरस्टैंडिंग करके, मतलब ख़त्म हो गया वो सीन, मतलब मेरी फ्रेंडशिप उसके बाद उससे मतलब नहीं रही लड़की से, मैं कभी उसके घर नहीं गई, कुछ नहीं, मतलब ख़त्म हो गया था सब कुछ। बट एनीवेज शुक्राना गुरु जी कि आप हमेशा से मेरे साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आपने मुझे चुना गुरु जी, इतनी दुनिया में से आपने मुझे चुना और न जाने कौन से जन्म से आप मेरे साथ हो, ध्यान रखते आ रहे हो मेरा, मेरी फैमिली का। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ये दो सत्संग शेयर करने का मेरा मकसद जो था वो ये था कि हम लोग कहते हैं ना कि मैं इस टाइम से कनेक्ट हुई या ऐसे ऐसे कनेक्टेड, तो आप ना जाने कब से हो और
इस जन्म में भी आप जिस डेट से कनेक्टेड आप सोचते हो कि हो, आप उस डेट से पहले के अगर अपने लाइफ को पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो आप देखोगे कि कितनी आपको कितनी बार ब्लेसिंग्स मिली होंगी और आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि गुरुजी तो आपके साथ हमेशा से थे। और ये सत्संग संगत जी, मुझे ये कैसे रियलाइज़ हुआ, मैं आपको वो बताना चाहूँगी कि मुझे ये कैसे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी मेरे साथ इस जन्म से भी पता नहीं कब से हैं। वो ऐसे संगत जी कि मेरे पास ना कुछ टाइम पहले रेगुलर बेसिस पर मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि कभी सोचा है या कभी पीछे मुड़कर देखा है कि क्या हो सकता था और हुआ नहीं। तो मैं ना ऐसे ही बस उसको, जैसे कहते हैं ना, बस पढ़ के एकदम से उसी टाइम के बारे में सोचती थी कि जिस टाइम से मेरे को पता था कि मैं कनेक्टेड हुई हूँ, तब से मैं बस उतने तक ही पीछे रिवाइंड करके देखती थी अपनी लाइफ को। जैसे कहते हैं ना, अपनी इमेजिनेशन में उतना ही टाइम रिवाइंड करके देखती थी, कभी उससे पहले का नहीं देखती थी। उससे पहले यही सोचती थी कि हाँ ठीक है, मतलब कि वो कह शुरू से जैसे भगवान जी की मम्मी प्रार्थना करती थी, मम्मी हमेशा हमारे लिए, कहते हैं ना माँ बाप बच्चों के लिए मांगती है, अच्छा तो बस उसी वे में सोचती थी। बट देन बार बार मैसेजेस गुरुजी के आ रहे थे, तो एक दिन अपने आप ही बैठे बैठे ना अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी आंखों के आगे रिमाइंड हो गई। और तब मुझे ये दो सत्संग मेरी मतलब उस टाइम से पहले की बचपन की लाइफ से लेके अब तक जो 3 साल पहले तक की लाइफ थी, उसमें से ये दो बड़े सत्संग मेरी नज़रों के आगे आए सत्संग जी, संगत जी। और मुझे पता लग गया कि ये चीज़ है और गुरुजी कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि मैं अपने सत्संग में ये दो सत्संग भी शेयर करूं, इवन इफ़ मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं भी हुआ था कि मैं कि गुरुजी मेरे साथ थे। तो शुक्राना गुरुजी कि आज आपने मुझसे ये सत्संग शेयर करवाया। तो आगे बढ़ते हैं संगत जी, अब मैं सत्संग शेयर करने चाहूँगी तब से जब से मैं गुरुजी से कनेक्टेड हुई हूँ, मतलब कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ। तो पहले तो मैं यही बता देती हूँ कि मैं कनेक्ट कैसे हुई थी, कि मैं ना शुरू से, मतलब जब से मैंने होश संभाला था अपना, तब से मैंने शिव जी को मैं बहुत मानती थी। मैं शिव जी की पूजा करती थी, हर मंडे मंदिर जाती थी, मैंने 16 सोमवार के व्रत भी रखे, सावन में भी जाती थी, ऐसे ऐसे मतलब शिव जी को मैं बहुत मानती थी। बट देन एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ना अंदर से पता नहीं एक आवाज़ सी आने लग गई कि, और ना लोग मेरे आसपास के लोग ना काफ़ी बार बोलते भी थे कि एक गुरु लाइफ में ज़रूर होना चाहिए, तो मैं एक गुरु धारण लाइफ में ज़रूर करना चाहिए, तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है, कर्म कट्टे हैं तुम्हारे, और गुरु ही होता है जो मोक्ष तक तुम्हें लेके जाता है। ऐसे ऐसे मतलब मैंने कई लोगों की बातें सुनी, तो मेरे अंदर से ना बार बार फील आती थी कि यार मुझे भी कोई गुरु धारण करना है, और मुझे वाहेगुरु जी के अलावा और कोई गुरु समझ नहीं आते थे। मतलब कि मेरी मम्मा खुद निरंकारी है, उन्होंने बोला कई बार मुझे कि मैं उनका ज्ञान ले लूं, लेकिन फील नहीं आती थी तो मैं नहीं लेती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अगर ज्ञान ले लूं और उसके बाद फिर मैं उनको मान ना पाऊं, पूछ ना पाऊं, तो वो अनादर वाली बात होगी। तो मैं हमेशा अपनी मम्मा को मना करती थी कि नहीं, मेरे को नहीं फील आती, मेरे को नहीं करना। बट ठीक है, मैंने जैसे मेरे अंदर से फील आती थी वाहेगुरु जी के लिए, तो मैंने जैसे गुरुद्वारे जाना शुरू कर दिया। मैं रेगुलर बेसिस पे गुरुद्वारे जाती थी, मत्था टेकती थी, वहाँ पर सेवा मिलती थी तो वहाँ सेवा करती थी, ऐसे ऐसे करके टाइम निकलता गया। और फिर मेरी शादी हो गई, और फिर जब मैं शादी करके यहाँ आई ससुराल अपने, तो यहाँ पर मेरी सास आनंदपुर वाले गुरु जी को मानती है, मतलब अभी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि गुरु जी को मान लो, तो मैंने इनको भी मना कर दिया, मैंने अपनी सासू माँ को भी मना कर दिया कि नहीं, मेरे को इनके लिए भी फील नहीं आ रही है, तो मैं ऐसे ही किसी के कहने पे मैं ऐसे ही नहीं धारण करना चाहती गुरु जब तक मेरे दिल से आवाज़ नहीं आएगी, तो मैंने इन्हें भी मना कर दिया। उसके थोड़े टाइम बाद संगत जी, आप कह लो मेरी शादी को आएगी साल ही हुआ होगा, तो मैं ना जब भी कहीं बाहर निकलती थी ना अपने हस्बैंड के साथ या किसी के साथ भी कहीं बाहर जाती थी, तो मेरे आगे ना
बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती थी, हर गाड़ी पे लिखा होता था जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैं अपने हस्बैंड से बार बार पूछती रहती थी, यार ये कौन है कि जिसको देखो हर गाड़ी के पीछे लिखा है जय गुरुजी। और मैं पहले ना मतलब बोलती भी थी कि ये सब ना मतलब वो होता है कि एक फॉलो करता है तो उसको देखा देखी सारे पागल हो जाते हैं, सारे पीछे पड़ जाते हैं, कुछ समझना नहीं, ऐसे ऐसे बोलती थी मैं। पर मुझे नहीं पता था कि ऐसे बोलते बोलते एक दिन मैं खुद ही मतलब कहते मतलब कि मेरा एकदम खुद ही ऐसी फीलिंग आ गई कि इसी गुरु से मैं कनेक्ट हो सकती हूँ और मेरे लिए कोई गुरु नहीं है। मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते संगत जी कि ऐसी गाड़ियाँ देखते देखते और इधर उधर गुरुजी के स्वरूप देखते देखते मुझे गुरुजी के लिए इतना कनेक्शन फील हुआ, इतना कनेक्शन फील हुआ कि बस मैंने इन्हें ही अपना गुरु मान लिया। मैंने मेरे को कुछ पता नहीं था कि कैसे पूछते हैं क्या करते हैं, लेकिन बस मैंने अपने अंदर से ये सोच लिया और ये मान लिया कि यही गुरु मेरे लिए है और मैं इन्हीं से कनेक्ट हो सकती हूँ और किसी से नहीं। ठीक है, टाइम निकलता गया। अब मुझे शिवरात्रि का सत्संग याद आ रहा है कि मैं अपने मायके गई हुई थी और शिवरात्रि थी उस दिन, तो और मेरे घर के नीचे ही किसी ने वो करवाया था शिवरात्रि का, जैसे कीर्तन वगैरह, कुछ कीर्तन टाइप्स कहते हैं उसे, चौंकी कहते हैं आई गेस, वो करवाया था, दिन में ही था। तो उन्होंने ना जैसे मतलब गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था कीर्तन में, और वो स्वरूप मुझे पूरे टाइम मैं नीचे कीर्तन देखती रही, मुझे नहीं दिखा क्योंकि आगे भीड़ थी, सब कुछ था, मुझे नहीं दिखा। लेकिन जब आरती चल रही थी तब मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी और मैं बावड़ी कहते हैं ना, जैसे मैं बावड़ी सी हो गई उनका स्वरूप देखते ही। पता नहीं ऐसी अंदर से फीलिंग आई पागलों वाली कि बस गुरुजी चाहिए, बस गुरुजी से कनेक्ट होना है, बस ऐसी फीलिंग आई। तो मैं अंदर आई, मैंने अपनी मम्मी के साथ शेयर करा कि ऐसे ऐसे मुझे नीचे दिखा गुरुजी का स्वरूप, ये बंदा भी मानता है गुरुजी को, तो मुझे बड़ी अच्छी सी फील आ रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कीर्तन, ये वो सब कुछ मैंने ऐसे मम्मी को बोला। और ये सब मैं बात कर ही रही थी उतनी देर में ना मेरी बुआ सास का फ़ोन आया मुझे। और अब मुझे ये तो पता था कि मेरी बुआ सास गुरुजी को मानती है, लेकिन कभी जहन में ये चीज़ ही नहीं आई थी कि मैं उनसे एक बार पूछ लूँ कि होता क्या है, कैसे होता है इसमें सब कुछ, मतलब कैसे मानते हैं, क्या करते हैं कि कनेक्ट होने के लिए क्या करते हैं। मैंने कभी जहन में भी दिमाग में नहीं आया कि मैं उनसे पूछ लूँ। पर ठीक है, उसी टाइम उनका फ़ोन आया और मैंने उसी टाइम उनको बोला कि मैंने अभी नीचे, मैं ना मायके आई हूँ और मैंने अभी नीचे शिवरात्रि का किसी का वो देखा है सत्संग और उसमें गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, तो मुझे ना बड़ी अच्छी सी फील आ रही है बुआ जी, और मुझे ना मतलब ऐसे ऐसे कनेक्ट होना है गुरु जी से, तो आप मुझे बताओ क्या करना होता है। उन्होंने बोला कुछ नहीं करना होता इसके अंदर, तू बस मंत्र जाप कराया कर, मैं तैनू दस दिनी हाँ कि मंत्र जाप है, तू यूट्यूब पर भी सर्च करेगी तैनू मिल जाएगा, तो तू मंत्र जाप कराया कर बस, तो हो सके तो एक बारी बिच बड़े मंदिर हो आई। तो मैंने बोला वो कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला छतरपुर च है, तू गूगल से सर्च कर तैनू पता लग जाएगा। तो मैंने ऐसे ऐसे करके फिर उसके बाद ना मेरी मतलब रिसर्च शुरू हो गई, मतलब मैंने यूट्यूब पे मंत्र जाप सुना, सिद्धार्थ मोहन जी का सबसे पहले मेरे आगे मंत्र जाप आया था, मैंने उस फिर रोज़ सुनना शुरू कर दिया और बड़े मंदिर जाने के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। रोज़ मैं ट्राई करती रहती थी कि कब मेरा चक्कर लगे वहाँ पर, कब मैं जाऊँ, बस ऐसे होता रहता था। फिर धीरे धीरे पता लगा कि वहाँ जाने के लिए आपको पास लेना पड़ता है और उस पास के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और क्या नाम है वो। तो जब मैं उनकी वेबसाइट पे गई ऑनलाइन, तो वहाँ पर मतलब ये काफ़ी टाइम की बात बता रही हूँ संगत जी, इंस्टेंट नहीं, बट हाँ थोड़े थोड़े टाइम में ये चीज़ें होती गई, तो मैं उस वे में आपको बता रही हूँ। तो मैंने पास के लिए अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पे जाती थी, तो वहाँ पर आता था कि सैटरडे और संडे को कुछ टाइम के लिए वेबसाइट खुलती है और आपको पास अप्लाई करना पड़ता है। और समहाउ मैं जाती भी थी ना, तो मेरे को नहीं हो पाता था मेरा पास अप्लाई। और फिर एक नॉन में एक लेडी थी, उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि वो भी गुरुजी को मानती थी, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है अप्लाई करने का कि आपको अपनी फ़ोटो वहाँ पर वेबसाइट पे
अपडेट करनी पड़ती है और ये सब कुछ होता है, ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को बताया। तो मैंने काफ़ी बार ट्राई करा और नहीं हुआ, तो फिर मैंने ना गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप देख लो, मैंने तो बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं हो पा रहा, तो आप देख लो, आपने जब मेरे को लेकर जाना होगा बड़े मंदिर आप खुद ले जाना, और मैं मंदिर जाप अपना रेगुलर बेसिस पे करती रही। लेकिन उस जिसे कहते ना उस हद तक मेरा कनेक्शन बिल्डअप हो रहा था, मतलब मेरा कनेक्शन बिल्डअप हो रहा था गुरुजी के साथ धीरे 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 करके। तो एक ऐसे ही करते करते संगत जी नेक्स्ट शिवरात्रि आ गई, और आप सोचो संगत जी एक शिवरात्रि पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मुझे कनेक्शन फील हुआ, और दूसरी शिवरात्रि पे गुरुजी मुझे खुद बड़े मंदिर ले गए। मैं बताती हूँ कैसे आपको। मैं ना जब मेरे को पास अप्लाई नहीं हो रहा था ना, जब मैं ट्राई कर रही थी पास के लिए, तो मैं क्या करती थी, मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड के साथ ना हर मंडे कह लो, हफ्ते में एक बार, हर हफ्ते, महीने में एक दो बार, जब मेरे को मौका मिलता था मैं अपने हस्बैंड को लेके बड़े मंदिर चली जाती थी, और मैं बाहर से ही दर्शन कराती थी। और मैं वहाँ पर ना जो सेवादार अंकल होते थे ना, मैं उनसे बार बार पूछती भी थी, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था तो कोविड के चक्कर में भी मंदिर बंद था, तो मैं उनसे बार बार पूछती रहती थी कि अंकल कब खुलेंगे मंदिर, कब खुलेंगे। उन्होंने बोला गुरु जी से अरदास करो जल्दी खुल जाए, ऐसे ऐसे करके वो जवाब दे देते थे। और कभी वो प्रसाद दे देते थे, लंगर प्रसाद, कभी टॉफ़ी प्रसाद, कभी जल प्रसाद। मैं अपनी बेटी को लेके गई थी एक बारी, वहाँ पर उसको टॉफीज मिली तो वो भी खुश हो गई। तो ऐसे ऐसे करके मैं जाती रही मंदिर। तो एक दिन शिवरात्रि पे भी ना मैंने अपने हस्बैंड को और अपनी सिस्टर को बोला कि चलते हैं, मतलब कि बाहर से दर्शन कर लेंगे, अगर नहीं भी अंदर जाना पॉसिबल हुआ या उन्होंने नई गेट खोले होंगे तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बाहर से दर्शन कराते हैं। तो हम लोग ऐसे ही निकल गए, और वहाँ जाके देखा संगत जी तो लाइनें, इतनी लंबी लंबी लाइनें, हम तो देख के पागल हो गए कि ये क्या हो रहा है। बट ठीक है, गए जैसे तैसे करके अंदर जहाँ तक पार्किंग होती है, मतलब वहाँ तक गए। और मैंने ना ऐसे ही जनरली अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल मैं आई तो हूँ, और मतलब कि मैं तो ऐसे ही सोच के आई थी कि मंदिर बंद होगा और मैं बाहर से मत्था टेक कर आई हूँ आ जाऊँगी, लेकिन अब यहाँ पर तो लाइने आ, तो मुझे आप ये बताओ कि बिना पास के, मेरे पास पास नहीं है, तो आप मेरे को अंदर जाने दोगे। तो उन्होंने बोला आज पास की रिक्वायरमेंट नहीं है, आज बिना पास के आप लोग अंदर जा सकते हो। ओ माय गॉड संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते उस टाइम मेरी खुशी का, मतलब बौखला सी गई थी मैं एकदम से कि ये क्या हो गया। मतलब जिसे कहते ना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे कर करके कर करके बस मैं अंदर जाती गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, करते करते मैं चलती गई, बस चलती गई। इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, मैं चलती गई बस, कभी कभी सोचा भी नहीं है संगत जी। मैं ना कभी किसी मंदिर में या कभी गुरुद्वारे में ना जहाँ पर लाइनों में लगना पड़ता था ना, मैं वहाँ कहीं भी नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे को यही होता था कि मेरे से लाइनों में नहीं खड़ा होता था, मेरे से चक्कर आ जाते थे, मेरे से नहीं हुआ था तो मैं नहीं जाती थी। उस दिन जब लाइनें देखी तो मैंने ना आर सोचा ना बार सोचा, मैं लाइन में लग गई और मैं चलती गई बस गुरुजी का नाम लेके, और एक्साइटमेंट की हाँ अंदर आज क्या देखने को मिलेगा, क्या होगा अंदर, कैसे होगा, तो बस चलती गई। बच्ची थी साथ में, उसको कभी मैं गोदी में उठा रही हूँ, कभी हस्बैंड उठा रहे हैं, कभी बहन उठा रही है, ऐसे ऐसे करके हम लोग चले गए। गए अंदर संगत जी, पहले उन्होंने एक बाहर वो कहते हैं ना टेंट लगा होता है बाहर कच्चे रास्ते पे, उन्होंने वो जो कच्चा सा वो ग्राउंड सा होता है उस पे उन्होंने वो टेंट लगाया हुआ था, चेयर्स लगाई हुई थी, वहाँ पर सिद्धार्थ मोहन जी के भजन चल रहे थे और गुरुजी के अंदर बड़े मंदिर के वहाँ पर वीडियोस चल रही थी। तो हम वहाँ पर, उन्होंने बोला यहाँ पर वेट करना है आपको, हम लोग वहाँ बैठ गए, बैठे रहे। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद हमारा नंबर आया अंदर जाने का, फिर हम लोग अंदर गए संगत जी और दर्शन करे गुरुजी के। ओ माय गॉड संगत जी, वो क्या फीलिंग थी वो मैं बता ही नहीं सकती, मैं वो अपनी फीलिंग शब्दों में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती, आप खुद समझ जाओ संगत जी क्या फीलिंग होगी। आप में से कुछ लोगों ने जब पहली बार गुरुजी के दर्शन करेंगे, जो फीलिंग आप सोच रहे हो ना, बस एग्जैक्टली वही फीलिंग मेरे को आई उस टाइम पे। और मैंने इतनी खुश में मैंने दर्शन करे, फिर उसके बाद हम लोग लंगर लाइन में लगे। तो ना मैं बार बार ना अंदर से बोले जा रही कि गुरुजी लंगर प्रसाद दिला देना, लंगर प्रसाद दिला देना, ऐसे ऐसे करके ना मैं बोले जा रही। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ,
मेरे मैं लगी हुई थी लाइन में, मेरे पीछे मेरी सिस्टर थी, और नहीं मेरे आगे मेरी सिस्टर थी और हस्बैंड पीछे थे मेरे, और सिस्टर के आगे एक अंकल थे, और उन अंकल को प्रसाद मिला, और उनके बाद फिर हमारी बारी आई। जैसी मेरी सिस्टर आगे गई, बारी आई, और उन्होंने मतलब हाथ जोड़ दिया हमारे आगे सेवादार अंकल ने कि लंगर ख़त्म हो गया। अब डिसअपॉइंटमेंट तो हुई संगत जी, तो अब मुझे ना ये याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि मेरी सिस्टर को थाली मिली थी या नहीं, लेकिन मुझे मतलब ऐसा सा है कि शायद उसको थाली मिली थी और हम मेरे को और मेरे हस्बैंड को नहीं मिली थी, उन्होंने हाथ जोड़ दिए थे। बट जो भी था, तो ऐसे मतलब कि मेरे को थाली नहीं मिली, मतलब कि मैं ही बार बार बोल रहे जा रही थी गुरुजी को कि थाली दिला देना, लंगर दिला देना, और मुझे ही नहीं मिली। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर वापस जा रहे थे तो कुछ ऐसी बात भी हुई लंगर को लेके, तो वही अंकल जिनको थाली मिली थी ना हमसे पहले, तो उन्हीं अंकल ने बोला कि जो है ना उसी में, मतलब हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि चलो एक भी मिल गई, या कुछ ऐसा कर रहे थे कि चलो दर्शन हो गए, कि इतने में ही चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने एटलीस्ट दर्शन करा दिया, हम ऐसे ऐसे कुछ बात कर रहे थे। तो एकदम से ही अंकल ने भी यही बोला कि हाँ जी, जो मिला है ना उसी में ही खुश रहना चाहिए, कि मतलब शुक्राना करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। तो ऐसे कह के अंकल खुशी खुशी करके आगे निकल गए, और हम भी खुश हो गए कि चलो जितना हुआ उतना भी काफ़ी है, कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमें दर्शन हो जाएंगे, और हमें दर्शन हो गए, और क्या चाहिए। चले गए हम लोग घर। फिर उसके बाद मेरी गुरुजी के साथ कनेक्शन धीरे 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 बढ़ता गया। अब संगत जी, वो कहते ना कि मैंने गुरुजी के वचन सुने एक बारी, और उसमें गुरुजी ने जो वचन कहा हुआ है गुरुजी का, कि जब तुम मुझसे कनेक्ट होते हो तो मैं पहले तुम्हें अच्छे से नहीं छोड़ता हूँ, और फिर तुम्हारा एक्चुअल कनेक्शन शुरू होता है, मतलब हमारा गुरुजी से। तो ये वचन मैं रोज़ सुनती थी, तो मेरे को जब ये वचन सुनती थी ना, मैं तो दिमाग में तो बैठ गए थे सारे वचन। तो क्या हुआ एक बारी कि सेकेंड वेव थी कोविड की, आई गेस उसमें मेरी मम्मा को कोविड हो गया, और घर वाले परेशान, सब परेशान, और मेरे को रोज़ मतलब कि जब तक मम्मा घर पे थी, जैसे मतलब क्योंकि घर पे ट्रीटमेंट कर रहे थे हम लोग, हमें तो पता भी नहीं था कि मम्मी को कोविड हो चुका है, तो हम तो उस वे में ध्यान रख रहे थे मम्मी का कि जैसे तबीयत ख़राब है, तो मेरे को मेरी सिस्टर का रोज़ फ़ोन आ जाए कि वो परेशान हो रही थी, मतलब ऐसे करते करते वो जितना टाइम था, जब तक हमें पता नहीं लगा था कि कोविड है, निकला। और फिर एकदम से भाई ने जैसे डॉक्टर को चेक कराया, उनका टेस्ट हुआ मम्मी का, तो पता लगा कि उन्हें कोविड है। तो भाई ने मेरे से पूछा कि इनको कैसे करें, अब एडमिट कराऊं या क्या करूं, घर पे रखूं या कैसे करूं। तो मैंने वो बार बार ये बोल रहा कि हॉस्पिटलों में तो जगह भी नहीं है, कहाँ लेके जाऊँ, ऐसे ऐसे करके भाई परेशान होकर मुझसे बात कर रहा। अब मैंने ना बोला भाई को कि भाई कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, गुरुजी हैं हमारे साथ, तू घर पे ही रख, घर पे ही उनका ट्रीटमेंट कर, कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल में ले जाने की, तू घर पे ही रख उनको। और संगत जी, जिस दिन मैंने ये बोला ना, उसी दिन दोपहर तक मम्मी की हालत इतनी ख़राब हुई कि मेरे को भाई का फ़ोन आया कि बहन एडमिट तो करना पड़ेगा, तू पता कर कहाँ पर, जहाँ पर जगह मिलती है। अब मैं गुड़गांव में, वो दिल्ली में, मायका मेरा दिल्ली में है, ससुराल मेरा गुड़गांव में है। तो भाई ने बोला एडमिट तो करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है, मैं जा रहा हूँ पता करने के लिए, बाकी तू भी अपने वहाँ पर पता कर अगर कोई मिलता है तो। तो संगत जी, मैंने ना उसको ये बोला कि तू मम्मी को यहाँ ले आ, गुड़गांव में ले आ, मेरे घर ले आ, मैं अपने मम्मी का ध्यान रख लूँगी, तू ले आ उनको यहाँ पर, क्योंकि वो थोड़ा बिजी था तो वो ध्यान रख नहीं पाता था, और बहन से जितना होता था वो उतना ही कर पाती थी, क्योंकि घर के काम भी करने थे, मम्मी का ध्यान भी रखना था, सब कुछ मैनेज करना था, तो उससे जितना हो पाता था वो उतना ही करती थी, परेशान थे दोनों। तो मैंने ये बोला कि तू मम्मी को यहाँ पर ले आ, यहाँ पर हम मिलजुल के सारे आपस में ध्यान रख लेंगे। तो मम्मी आई, वो घर पे लेकर आया मम्मी को मेरे पास, और मम्मी को हमने जैसे तैसे करके ना, मेरा जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पर था, तो हमने मम्मी को जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ाया,
रूम में लेके गए और मम्मी लेटी, और जैसे ही लेटी ना संगत जी, 2 मिनट बाद ही मेरे देवर का फ़ोन आ गया कि उसे पास ही किसी हॉस्पिटल में, बिल्कुल घर के पास ही किसी हॉस्पिटल में एक बेड मिल रहा है, तो अगर एडमिट कराना है तो करा लो। तो हमने ना वहाँ सोचा ना पार सोचा, सबने डिसीजन म्यूचुअल सबका डिसीजन हुआ कि एडमिट कराना है, और हमने फिर मम्मी को व्हील चेयर पर नीचे उतारा और फिर हमने मम्मी को वहाँ पर एडमिट करा दिया। एडमिट कराया तो डॉक्टर ने बोला हालत तो ख़राब है काफ़ी, तो ट्रीटमेंट वो उन्होंने अपना चालू कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग जैसे घर में, कभी मैं जा रही हूँ, कभी भाई जा रहा है हॉस्पिटल, कभी बहन जा रही है, कभी हस्बैंड, कभी देवर, ऐसे ऐसे करके हम लोग आपस में मिलजुल के सब कुछ कर रहे थे। तो संगत जी अब सेकेंड वेव थी, तो आसपास के रूम में जैसे, क्योंकि जो वार्ड था मेरी मम्मी का, जहाँ पर मम्मी का रूम था एडमिट हुई थी, वहाँ पर 5 रूम्स थे, 5-6 थे साथ में। तो कभी इस वार्ड से न्यूज़ आ रही, कभी किसी दूसरे मतलब रूम से न्यूज़ आ रही, क्योंकि पता तो लग ही जाता था। तो मेरी बहन बहुत परेशान, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम वही बैठती थी मम्मी के पास हॉस्पिटल में, वो बहुत परेशान, वो बार बार मेरे को फ़ोन करके बोल रही ऐसे हो गया आज बगल वाले रूम में, ऐसे हो गया, वो चले गए, ऐसे ऐसे करके वो परेशान हो रही, रो रही मेरे आगे कि मम्मी को कुछ हो गया तो ऐसे ऐसे करके। तो मैंने ना संगत जी उसको शांत कराया ये बोल के कि तू क्यों परेशान हो रही है, तो हमारे साथ गुरु जी हैं, कुछ गलत नहीं होगा, तो टेंशन मत ले, मंत्र जाप करती रहे, मम्मी को जल प्रसाद पिलाती रहे, उनके आगे मंत्र जाप लगा के रख दे, दिन रात मंत्र जाप चलना चाहिए उनके आगे, वो जिस गुरु जी मानती है निरंकारी को, उनका मंत्र लगा दे उनके आगे, क्योंकि वो उन पे ज़्यादा था ना उनका, तो वो उनका मंत्र ज़्यादा सुनने को होती थी मम्मी, तो कभी हम उनका लगा देते थे निरंकारी बाबा जी का मंत्र, और कभी हम गुरु जी का मंत्र जाप उनके आगे चला देते थे। तो मैंने उसको समझाया कि तूने गुरु जी के वचन तो सुने हैं, उसमें गुरु जी ने बोला है ना कि वो पहले निचोड़ेंगे और फिर उसके बाद उनकी ब्लेसिंग्स अपरंपार हमारे ऊपर आएंगी, हमारे को देंगे वो ब्लेसिंग्स अपनी। तो ऐसे करके मैंने उसको समझाया, तो शांत तो हो जाती थी समझाने पे, लेकिन परेशान तो हम लोग सारे ही थे, मैं कभी मैं रो रही हूँ, कभी भाई रो रहा है। तो ऐसे करते करते दिन रात मंत्र जाप करते करते ऐसे मतलब मम्मी ठीक हो गई। तो और संगत जी मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ इसी से रिलेटेड, मम्मी के ठीक होने से रिलेटेड। जो मेरे मम्मी के बिल्कुल साइड वाले रूम में एक आंटी थी, दोनों को कोविड है, मम्मी को भी कोविड है, उसको भी कोविड है आंटी को, ठीक है। तो उस आंटी को एक दिन डॉक्टर ने रेकमेंड कर दिया कि यहाँ तो इनको वेंटिलेटर पर लेकर जाओ, और यहाँ एक मशीन आ रही थी उस टाइम पे, मेरे को नाम नहीं पता, मतलब होगी अभी भी होगी वो मशीन, मुझे तो नाम भी नहीं पता उसका, कैसे कैसे नाम होते थे बाय वर्ड दवाइयों के, मशीनों के। तो उन्होंने बोला यहाँ तो ये वाली मशीन लेकर आओ, या इनको यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ वेंटिलेटर वाले रूम में, हमारे पास वेंटिलेटर वाला रूम अवेलेबल नहीं है। तो उनके बेटे ने ना जैसे तैसे करके वेंटिलेटर वाली मशीन जो होती है ना वो अरेंज कर ली, वो ले आया मशीन यहाँ पर हॉस्पिटल में और उनके कमरे में लगा दी, और ऐसे वो चलता गया उनका ट्रीटमेंट। तो एक दिन मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि आंटी चली गई, तो जय गुरु जी, ऐसे उसका फ़ोन आया कि वो चली गई, और वो रोने लगी कि क्योंकि मोस्टली मम्मी के जो आसपास के रूम थे उनमें से लोग जा चुके थे। तो उसका मेरे को फ़ोन आया और रोने लगी, तो उस संगत जी मैं भी अपनी हिम्मत हार गई, क्योंकि आसपास के सभी रूम में से लोग चले जा चुके थे, तो मैं भी अपनी हिम्मत हार गई और मैं रोने लगी। तो जब वो चले गए तो उससे ही जिस दिन आंटी गई उसी दिन ही मम्मी को भी ना वो वाली मशीन डॉक्टर ने रेकमेंड कर दी। तो मेरा भाई अरेंज कर रहा था मशीन के लिए, लेकिन समहा मशीन मिल नहीं रही थी। तो
उसी आंटी के बेटे ने मेरे भाई को बुला कि आप हमारी मशीन ले लो, क्योंकि उनकी तो यूज़ होनी नहीं थी अब, तो उन्होंने भाई को बोला आप मेरी ले लो। भाई ने ले ली और मम्मी को वो मशीन डॉक्टर्स ने लगा दी, लेकिन उस मशीन से मम्मी को दिक्कत बहुत होती थी संगत जी। उनको बहुत दर्द होता था, तो वो बार बार मना करती थी मशीन लगाने से, बट हमने उनको जैसे तैसे करके समझाया। वो भी हिम्मत हार चुकी थी अपनी, तो हम लोग उनको बार बार जाके कहते थे कि आप हिम्मत हार जाओगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो वो हिम्मत करके मशीन लगाती थी, जितना टाइम उनसे लगता था लगाती थी। तो ऐसे करते करते संगत जी, शुक्राना गुरु जी का कि वो ठीक हो गई। उनको मैंने जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, एक महीना वो मेरे घर में ही के पास ही हमने घर रेंट करा था, तो हम लोग मतलब मेरे परिवार वाले मायके वाले यहीं थे, भाई बहन और मम्मा यहीं रहते थे पास में। बस उनकी सेवा की हम लोगों ने, फिज़िकल थेरेपीज हुई उनकी काफ़ी, वो ठीक हो गई। तो गुरु जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना कि उन्होंने मम्मा को ठीक किया, और फिर उसके बाद हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया। मेरे मायके को, मेरे मायके को, मैं गुरु, मेरे ससुराल को, सबको गुरु जी ने ब्लेस किया। गुरु जी कहते हैं ना कि एक भी परिवार में से एक भी अगर मेरे पास, मेरे से जुड़ता है, तो वो उसके पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं गुरु जी। तो वही हुआ, बस मैं और मेरी सिस्टर गुरुजी के पास जाते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो नेक्स्ट सत्संग मैं अपना जो सुनाना चाहूँगी संगत जी, वो है मेरी सिस्टर से रिलेटेड। तो संगत जी, अभी साल ही कह लीजिए संगत जी, तो मेरी सिस्टर ने कंसीव किया, वो प्रेग्नेंट हुई। तो जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, तो हमें थोड़े टाइम में पता लगा संगत जी कि उसका डबल यूट्रस वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था उसकी प्रेगनेंसी में। डॉक्टर ने बोला था कि इसकी डबल यूट्रस प्रेगनेंसी है, तो शुरू में ही हमें बोल दिया गया, डॉक्टर ने बोल दिया गया कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि शायद नहीं हो पाएगा, शायद मिस कैरेज हो जाएगा। मैं तो ये वर्ड भी नहीं इस्तेमाल कर सकती संगत जी, मेरे से तो होता ही नहीं, ये वर्ड मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी सत्संग शेयर कर रही हो तो बताना तो है। तो उन्होंने शुरू में ही बोल दिया डॉक्टर ने कि वो नहीं होगा। तो लेकिन मेरी बहन परेशान, और मैंने अपनी बहन को बोला कि तू परेशान मत हो, सब ठीक होगा। तो गुरुजी का मंत्र जाप करती रहे दिन रात, और गुरुजी का स्वरूप अपने रूम में लगा ले, या फिर मतलब फ़ोन में जैसे है तो बस देखती रहे, मंत्र जाप करती रहे दिल में, और बस सब गुरुजी पर छोड़ दे, अपने आप सब कुछ ठीक होगा। तो हम लोगों ने ऐसे बोला और आपस में जैसे मतलब बात की, और प्रेगनेंसी जैसे चलती रही, कंटिन्यू होती गई। तो अब एक बार ही क्या हुआ संगत जी, कि हम लोगों को आउट ऑफ स्टेशन जाना था, इंटरनेशनल जाना था संगत जी। तो मैंने, मेरे भाई ने, हम लोगों ने आपस में प्लान किया जाने के लिए, और हमने सोचा कि सिस्टर नहीं जाएगी क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो नहीं जाएगी। अब संगत जी, उस टाइम पे मेरी भाभी भी प्रेग्नेंट थी, ये दोनों साथ में प्रेग्नेंट हुई थी, तो भाभी की ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, तो उसकी डॉक्टर ने बोल दिया था जाने के लिए, तो वो जा रही थी। तो ऐसे ही मेरे भाई ने बोला कि तू भी सिस्टर की जैसे डॉक्टर से पता कर कि अगर ये जा सकती है तो तू इसको भी लेके चलते हैं हम लोग, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप थी, पहली ट्रिप थी संगत जी हम सबकी, पूरे परिवार की। तो हम लोग चाह रहे थे कि सारा परिवार इकट्ठे जाए,
तो मैंने इसकी डॉक्टर को फ़ोन किया तो संगत जी हमसे गलती क्या हुई कि हम डॉक्टर को ये नहीं बताएंगे कि हमने इंटरनेशनल जाना है, हम बताएंगे कि हमने डोमेस्टिक जाना है, बट जो फ़्लाइट टाइम है दोनों का, जो हमने डोमेस्टिक डेस्टिनेशन डॉक्टर को बताई और जो हमने एक्चुअल जाना था इंटरनेशनल, जो टाइम ड्यूरेशन था वो सेम था। अब हमें इतना पता भी नहीं था कि क्या होता है कैसे होता है ऑल्टीट्यूड वगैरह, तो हमने तो बस टाइम देखा और टाइम के हिसाब से उसको डेस्टिनेशन बता दी डॉक्टर को कि हमने यहाँ जाना है। डॉक्टर ने हाँ बोल दिया कि चले जाओ, तो हम निकल गए। अब संगत जी जब हम अपनी इंटरनेशनल जगह पर पहुँचे तो वहाँ जाकर सिस्टर को थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि एक तो वैसे भी उसको डॉक्टर ने मना किया था कि ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, ऊपर से हम इंटरनेशनल ट्रिप पर पहुँच गए और फ्लाइट उसको बताई डॉक्टर को डोमेस्टिक की। जब वहाँ पहुँचे इंटरनेशनल जगह पर तो थोड़ा बहुत तो घूमी वो हमारे साथ, जहाँ जहाँ जा सकती थी थोड़ा बहुत चलती थी, थोड़ा बहुत व्हीलचेयर पर ऐसे ऐसे करके वो हमारे साथ घूम रही थी। तो उसको ना संगत जी एक दिन मॉर्निंग में हम लोग उठे तो उसको डिस्चार्ज सा हुआ, पहले थोड़ा कम हुआ तो फिर उसी दिन में धीरे धीरे करके वो डिस्चार्ज बढ़ता गया संगत जी, और उसमें से ब्लीडिंग भी आ रही थी, डिस्चार्ज में ब्लीडिंग भी थी। तो हम लोग परेशान, तो हमने पास ही किसी हॉस्पिटल में पता किया कि चेकअप कहाँ पर करा सकते हैं, तो उन सब ने बताया, होटल वालों ने बताया और ड्राइवर ने बताया, तो हम उस हॉस्पिटल में अपनी सिस्टर को लेके गए। तो उन्होंने एडमिट होने को बोल दिया, उन्होंने बोला कि सीन बहुत ख़राब है कि नहीं होगा, तो उन्होंने बोला या तो इसकी ये रुक जाए डिस्चार्ज ब्लीडिंग ये सब रुक जाए, या तो फिर दिक्कत है, और अगर ये चलेगी फिरेगी इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप इसको एडमिट करो। अब संगत जी वो जिस दिन हमने उसको चेक कराया वो हमारा उसके नेक्स्ट डे हमारा रिटर्न था, तो हम लोग परेशान कि घर जाना था तो अब यहाँ पर फंस गए हैं, डॉक्टर को क्या बोलें इसकी, जो डॉक्टर जो मेन हमारा था दिल्ली में उनको अब क्या बोलें कि क्या कैसे करें, क्योंकि उसने अपना अपॉइंटमेंट दे रखा था एक दिन बाद का जैसे। तो जैसे तैसे करके उसको हिम्मत करी, फ़ोन करा उसको, बोला कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, उसने डांटा डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा कि तुम लोग सुनते नहीं हो अपनी करते हो ऐसे ऐसे करके डॉक्टर ने डांटा बहुत। फिर समहाउ उसने थोड़ा सा जो दवाई वगैरह बताई कि उसको ये दे दो, हमने यहाँ की डॉक्टर को बोला जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर हमने उसको बोला कि डॉक्टर ऐसे ऐसे हमारा जो दिल्ली में डॉक्टर है वो बोल रही है कि ये वाली दवाई दे दो, तो उन्होंने उसका जैसे सेम दवाई तो मिल नहीं रही थी वहाँ पर, तो उन्होंने रिप्लेसमेंट जो होता है ऑप्शन वो दिया जैसे उसको सिस्टर को, और क्या नाम है ट्रीटमेंट करते गए। अब उन्होंने तो संगत जी बोल दिया, जो जहाँ पर हम गए थे इंटरनेशनल ट्रिप पर उन्होंने तो बोल दिया संगत जी कि, डॉक्टर ने बोल दिया साफ साफ मेरे भाई को मेरे को सबको बोल दिया कि तुमने चाहे इसको यहाँ से अभी लेके जाना है तुम ले जाओ, लेकिन मिस कैरिज तो एनी हाउ हो गई होगा। अब संगत जी मैं और मेरा भाई परेशान और गुस्सा भी आ रहा था कि ये बार बार कैसे बोल सकते हैं ऐसे, मतलब सामने वाली के फीलिंग की इनको कोई वो नहीं है, बोले चले जा रहे हैं, बार बार बोले चले जा रही थी वो डॉक्टर की नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं, घर चलते हैं और जो होगा देखी जाएगी, गुरुजी के ऊपर छोड़कर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो मैंने अपनी सिस्टर को समझाया और संगत जी मेरे को इस बात की बहुत खुशी है संगत जी कि मेरी सिस्टर ने भी आगे से हिम्मत दिखाई और उसने खुद मुझे ये बोला कि हमने जितना करना था हम लोगों ने कर लिया, अब टेंशन नहीं लेनी। अगर हम वो कहते हैं ना मांगना नहीं चाहिए मानना चाहिए, अगर हम बार बार मांगेंगे तो हो सकता है ये चीज़ हमारे लिए ना भी ठीक हो, तो जो गुरुजी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा पता है, उन्हें सब पता है कि वो क्या ठीक है मेरे लिए क्या नहीं है। उसने ये चीज़ आगे से बोली और बस फिर मैं टेंशन फ्री संगत जी, और मैंने उसको बोला कि चल चलते हैं। हम लोगों ने टिकट बुक कराई, हम लोग दिल्ली आ गए, और दिल्ली आते ही एयरपोर्ट से सीधा मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई संगत जी, जो हमारी दिल्ली की डॉक्टर थी उसके पास मैं लेके गई, और मैंने बोला डॉक्टर पहले आप इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ करके चेक करो सब ठीक है या नहीं है, फिर उसके बाद बताओ कि कैसे क्या हो क्या कर क्या कर सकते हैं आगे कैसे करना है। और तो वो भी उसको जैसे मैंने एयरपोर्ट से बोल ही दिया था फ़ोन करके, तो वो भी अपनी तैयारी करके बैठे थे, जैसे ही हम लोग पहुँचे उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई संगत जी डॉक्टर ने, और इमीडिएटली उसको अल्ट्रासाउंड रूम में लेके गए, मैं भी थी उसके साथ रूम में,
तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया डॉक्टर ने, और संगत जी जो स्क्रीन पे दिखाते हैं ना उसमें मैंने, अब सिस्टर तो लेटी हुई थी उसको इतना दिख नहीं रहा था, मुझे तो सामने से सब कुछ दिख रहा था संगत जी, तो मैंने उसको बताया और हम डॉक्टर ने मतलब उसको डिस्क्राइब किया सिस्टर को कि वो तो एकदम बेबी जो था वो तो एकदम परफेक्ट बैठा था वहाँ पर मतलब। और संगत जी मैं जो सामने से देख रही थी बेबी को स्क्रीन पर, वो संगत जी ऐसी मुद्रा में बैठा हुआ था वो बेबी कि जैसे गुरुजी बैठते हैं ना, और वो ऐसे जैसे मतलब अपना ध्यान वाले उसमें मुद्रा में बैठते हैं गुरुजी बैठते थे वैसे मतलब बैठा हुआ। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा कि बहन तुझे तो परेशान होने की अब ज़रूरत ही नहीं है, तेरे तो बेबी तो गुरुजी का रूप है, तेरा बेबी तो गुरुजी का रूप है, इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता, तू टेंशन मत ले, अब सब कुछ ठीक रहेगा, आगे भी सब कुछ ठीक होगा, तू टेंशन मत ले, बस गुरुजी का नाम लेती हुई तू अपनी प्रेगनेंसी पूरी कर। तो हम लोग डॉक्टर खुश, मतलब डॉक्टर ने भी मतलब इतना अच्छा रिस्पांस दिया, उन्होंने भी बोला कि चलो अच्छा है सब कुछ है ये है, तो आगे बस लेकिन अब रेस्ट करो, कहीं जाना नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, बस अपना रेस्ट करो और अपना दवाइयाँ लेते रहो और अपना प्रेगनेंसी अच्छे से पूरी करो। तो ऐसे ही हम लोगों ने फिर किया। तो एक दिन हमने अपना यही चीज़ मतलब नॉन में कोई है उन्होंने हमसे पूछा कि कैसी है बहन, तो हमने उसको बताया, तो उसने ऐसे ऐसे अपने घर से स्वरूप भिजवाया गुरुजी का, तो हमने वो स्वरूप ना अपनी सिस्टर के रूम में ही लगा दिया सामने, ताकि उसकी आंखों के सामने रहे गुरुजी, और वो उसको स्वरूप को देखते हुए उसने संगत जी अपनी मेरी बहन ने अपनी प्रेगनेंसी पूरी की। और संगत जी आप मानोगे नहीं, जब बेबी गर्ल हुई है उसको चुईया, तो बेबी गर्ल हुई है उसको, और जब वो बाहर आई ना संगत जी चुईया हमारी तो संगत जी उसने उसका आई विश मैं उसकी फ़ोटो शेयर कर सकती आप लोगों के साथ, लेकिन ठीक है मैं आपको बताती हूँ क्या था। जैसी वो बाहर आई रूम से तो उसकी शक्ल संगत जी बिल्कुल गुरुजी के गुरुजी जैसी, मतलब इतनी गोरी, मतलब इतनी एक अलग सा उसके चेहरे पे चमक सी थी, और मतलब चमक रही थी वो, और एक नूर सा था उसके चेहरे पे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी सामने आ गए। तो बस मैंने मथा टेका जैसे, क्योंकि मेरे लिए तो वो गुरुजी का ही रूप है, तो मैंने उसको मथा टेका और बस फिर वो गई अपना ड्रेस व्रेस जैसे उसकी चेंज करना था सब कुछ, कपड़े वगैरह पहनाने थे, तो बस फिर ऐसे निकल गया टाइम। संगत जी बहुत अच्छी प्रेगनेंसी निकली, बेबी भी बहुत क्यूट है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसी संगत जी मतलब ऐसी हमें गुरुजी ब्लेस करते हुए आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो गुरुजी मैं आपसे अरदास करना चाहूँगी कि आप ऐसी अपने पूरे संगत परिवार का ध्यान रखना गुरुजी, सबको ब्लेसिंग्स देना, सबको ब्लेस करना। तो संगत जी जो मेरा नेक्स्ट सत्संग है वो है गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड। तो संगत जी मेरा ना बहुत मन कर रहा था गुरु पूर्णिमा वाले दिन, बहुत कंफ्यूज था बड़े मंदिर जाने ना जाने की वजह से, मतलब मन भी हो रहा था कि गुरु पूर्णिमा है मैं जाऊं, लेकिन अंदर से ऐसा भी हो रहा था कि वहां पर बहुत भीड़ होती है, या फिर मतलब कि कंफ्यूज सा था मेरा मन कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, भीड़ की वजह से थोड़ा अवॉइड कर रही थी। तो मैंने सुबह गुरुजी से बोला कि आप देख लेना आपको जैसे ठीक लगे, और संगत जी ये बोल के मैं सो गई। रात की बात है, नेक्स्ट डे के मतलब नेक्स्ट डे गुरु पूर्णिमा थी, तो उस हिसाब से तो संगत जी मेरी ना रात को ड्यूटी होती है, तो मैं दिन में सोती हूँ। तो संगत जी मैं उठी 4-5 बजे, तो मुझे लगा कि चलो अब तो क्या ही जाना है, गुरुजी ने ही लगता है कि नहीं बुलाना। तो फिर मैंने खाना वाना खाया और गुरबानी सुन रही थी, इतने में 6 बज गए। तो मेरी ना एक आंटी से कॉल पर बात हो रही थी, तो गुरु संगत है वो भी, तो उन्होंने बताया कि वो एम्पायर स्टेट थी अब तक, अब बड़े मंदिर जा रही हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा और अजीब भी लगा कि मुझे भी जाना चाहिए था, भीड़ की क्यों सोच रही है तू, वो गुरुजी पर छोड़ दे, पर एटलीस्ट जा तो सही, ऐसा मतलब मेरे अंदर फील आई। तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया कि चलेगी, उसने भी भीड़ के चक्कर में अवॉइड करना चाहा, पर मैंने उसे खुद बोला कि तू चल तो सही, भीड़ ज़्यादा हुई तो कोई नहीं, बाहर से मत्था टेक कर आ जाएंगे। तो हम लोग निकल गए बड़े मंदिर के लिए, ट्रैफिक ज़्यादा था, तो वी रीच्ड अराउंड 9 PM। और संगत जी बड़े मंदिर से बाहर निकलते समय मेरी आंखों में आंसू थे,
खुशी के, और मैं थोड़ा गिल्टी भी फील कर रही थी। गुरुजी ने इतने इजीली दर्शन करा दिए थे संगत जी, कोई भीड़ भाड़ फील नहीं हुई। हमने लंगर भी खाया, लंगर हॉल में पहली बार, बिकॉज़ हम कोविड टाइम के थोड़ा पहले ही गुरुजी से जुड़े थे, तो इतना जाना नहीं हो पा रहा था। तो पहली बार हमने लंगर हॉल में बैठ के लंगर खाया गुरुजी के सामने। आई वॉज़ लिटरली क्राइंग कि हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, और गुरुजी तो हमारे लिए कितना अच्छा सोच के बैठे हैं, हम तो लायक भी नहीं उनकी इतनी रहमत और प्यार के, फिर भी वो हमसे कितना प्यार करते हैं। तो मुझे लंगर खाते हुए फील हुआ कि जैसे गुरुजी बोल रहे हो चलिए, तेनु तो पता ही नहीं कि मैं की सोचना तेरे लिए, किवें किवें तेनु ब्लेस करना। और मेरी आँखों में आंसू आ गए संगत जी। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना कि ऐसे ऐसे हम लोग सोचते हैं, लेकिन शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर लविंग ऑल योर संगत जी गुरुजी। तो संगत जी, लंगर से रिलेटेड भी एक सत्संग है कि हमें ट्रैफिक में लेट हो गया था काफ़ी, तो हमें ना भूख लग रही थी, और मन में ये चल रहा था कि नहीं मिला लंगर तो और लेट हुए दर्शन, मतलब लेट हुए दर्शन और लंगर नहीं मिला भीड़ की वजह से, तो ऐसे ऐसे सोच रहे थे हम लोग। पर गुरुजी तो सब सुनते हैं और हमारी परेशानी दूर करते हैं। तो बड़े मंदिर पहुंचते ही संगत जी हमें पता भी नहीं लगा कब दर्शन भी हो गए और कब लंगर भी खा लिया। और जब लंगर थाली सामने आई तो इतनी भूख लगी पड़ी थी हमें कि ऐसा लगा गुरुजी ने कहा ले ये लो फटाफट लंगर खाओ, भूख लग रही है तुम्हें, मैं जानता हूँ, पर तुसी बेसब्रे हो बड़े, ऐसा ऐसा मतलब फील आया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, इतना ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस ऐसे ही हमसे हमेशा प्यार करते रहना गुरुजी, और हमारे साथ हमेशा रहना, और हमसे कभी दूर मत होना गुरुजी, ऐसे ही प्यार बनाए रखना, हमारे पे ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी, पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। तो संगत जी, यहीं पर मैं अपना सत्संग अब कंक्लूड करना चाहूँगी, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये मत सोचा करो कि गुरुजी, मतलब वो होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि गुरुजी होते जिस टाइम पे गुरुजी थे लाइफ फॉर्म में, हम भी उस टाइम पे लोगों के सत्संग सुन के हम होते हैं ना, कभी कभी मन में सोच आती है कि यार हम क्यों नहीं थे उस टाइम पर, हम होते काश हमने भी गुरुजी को सामने से देखा होता। लेकिन संगत जी, आप विश्वास रखिए, आप मेरी बात मानिए, जो संगत उस टाइम पर भी गुरुजी के साथ थी उसमें से भी आधे से ज़्यादा संगत को कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ होगा कि वो किसके आगे बैठे हैं, क्या है, महाशिव है गुरुजी तो, और उन्होंने कभी एहसास भी नहीं किया होगा। लेकिन हम संगत जी, हम जो नहीं थे उस टाइम पर, जैसे जब गुरुजी लाइफ फॉर्म में थे तो जब हम उनके सामने नहीं थे, लेकिन हम और भी ब्लेस्ड है संगत जी कि हम जब गुरुजी को जाने तो भगवान के रूप में जाने, महाशिव के रूप में जाने, हमें पता है, एहसास है इस चीज़ का कि वो क्या है और हम किस रूप में उनको पूछते हैं। ये हमारे लिए ब्लेसिंग है संगत जी कि हमको गुरुजी ने उस लायक समझा, उस लायक बनाया कि हम ये समझ सके कि वो क्या है। तो बस संगत जी, आप यही सोचिए कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ थे, हमेशा हमारे साथ हैं, आगे भी रहेंगे, उनसे अपना कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। कोई और किसी और की हेल्प नहीं लीजिए, आप कनेक्शन जो आपका होगा वो आप ही बिल्ड कर सकते हो, और कोई नहीं कनेक्शन आपका बिल्ड करा सकता गुरुजी से, आपको खुद गुरुजी से कनेक्शन बिल्ड करना है। रोज़ मंत्र जाप कीजिए, दिन में 1 घंटा 20 मिनट 10 मिनट जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना टाइम दीजिए, मंत्र जाप कीजिए और गुरुजी से बातें कीजिए। अपना दुख किसी और से जाके शेयर मत कीजिए, गुरुजी के आगे बैठिए, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठिए, उनसे बातें कीजिए, आपका स्ट्रॉन्ग होगा कनेक्शन संगत जी। और आप लिटरली गुरुजी हमारी सुनते हैं, हमारी हर चीज़ सुनते हैं, वो छोटी सी छोटी बात सुनते हैं, आपको जवाब देते हैं, हमें एहसास नहीं होता है, कभी कभी हमें नहीं दिख पाता है, लेकिन गुरुजी हैं और हमारी हर बात सुन रहे हैं, हर बात मान रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छा है वो हमारे लिए कर रहे हैं, और वो जो नहीं कर रहे हैं हमारी
जैसे हम कभी कुछ मांगते हैं और हमें नहीं मिलता है, तो संगत जी परेशान मत होइए, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं सही होगी, इसलिए आपको नहीं मिल रही है संगत जी। तो हमेशा शुक्राना करते रहिए, जो चीज़ आपको मिल रही है उसके लिए भी शुक्राना कीजिए, जो चीज़ नहीं मिल रही है उसके लिए भी शुक्राना कीजिए संगत जी, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होगी, इसीलिए आपको गुरु जी वो चीज़ नहीं दे रहे। और संगत जी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, अपनी गलतियों की माफ़ी गुरु जी से मांगते रहिए, हमेशा मांगते रहा करिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता लगता कि हमें भी नहीं पता लगता कि हम जाने अनजाने कितनी गलतियां कर बैठे हैं, और पिछले जन्म में पिछले जितने भी जन्म थे हमारे जो भी है हमने कितनी गलतियां की होंगी, उन सब गलतियों की माफ़ी मांगते रहिए करिए संगत जी, हमेशा बोलते रहिए करिए कि गुरु जी हमें माफ़ कीजिए, जो भी गलतियाँ हमसे हुई हैं जो हम जानते हैं कि हमसे हुई हैं उसके लिए भी माफ़ी गुरुजी, और जिन गलतियों से हम अनजान हैं उसके लिए भी माफ़ी गुरुजी, हमें माफ़ कीजिए और हमें हमेशा सही राह पर रखिए गुरुजी। हम कभी गलत राह पर जाना भी चाहें तो हम ना जा पाएँ, आप हमारी बाँह फड़ के हमें सही रास्ते पर डाल दीजिएगा गुरु जी। तो जय गुरु जी, संगत जी शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।